दोस्तों अभी के टाइम में YouTube पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, चाहे वो एक छोटा क्रिएटर है या एक बड़ा क्रिएटर, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम है व्यूज डाउन प्रॉब्लम। जी हाँ गाइस, अभी के टाइम में सभी के यूट्यूब चैनल पर व्यूज जो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। चाहे पहले आपके 400-500 व्यूज आते थे, अभी के टाइम में आपके 100-200 व्यूज आने स्टार्ट हो गए। 4-5 व्यूज आते थे, 1000 पर आ चुके हैं। लाखों में आते थे, हजारों में आ चुके हैं। मतलब इस प्रकार से सभी के व्यूज यहाँ पर डाउन हो गए हैं। अब ये व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये ठीक होगा, कब तक ये ठीक होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपके भी यूट्यूब चैनल पर व्यूज डाउन हो चुके हैं, पहले अच्छे व्यूज आते थे लेकिन अभी के टाइम में व्यूज डाउन हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। देखिए दोस्तों, व्यूज कैसे आते हैं। कोई बंदे बोलते हैं व्यूज आपके CTR से आते हैं। YouTube जब आपकी वीडियो को भेजते हैं आगे और कितने लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो उससे व्यूज आते हैं, लेकिन वो आपका CTR वाला जो एरो है वो भी ऊपर है। कुछ लोग बोलते हैं आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन होता है, इसकी वजह से आपकी वीडियो आगे नहीं जा पाती है और आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन काफी बंदे बोलते हैं हमारा तो ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा है लेकिन फिर भी हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। पहले व्यूज आते थे लेकिन अभी तो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे भाई ये व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। रीजन है दोस्तों यूट्यूब एल्गोरिथम। जी हाँ गाइस, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो हर हफ्ते, हर दिन, हर मंथ चेंज होता रहता है। इस एल्गोरिथम में जिसका चैनल फिट हो जाते हैं उसका चैनल ग्रो हो जाते हैं, और जिसका चैनल इस एल्गोरिथम में फिट नहीं हो पाता है और उसका चैनल यहाँ पर पीछे रह जाता है। सीधी सादी बात ये है कि जिसके लाखों में व्यूज आते हैं उसके भी व्यूज डाउन है, लेकिन जिसके यहाँ पर 400-500 व्यूज आते थे उसका भी डाउन है। देखिए, जो एल्गोरिथम को समझ पाया है वो यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है क्योंकि एल्गोरिथम चेंज हो रहे हैं, हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं, हर महीने चेंज हो रहे हैं। तो एल्गोरिथम क्या चाहता है, मुझे कोई पकड़ ना सके, मुझे कोई समझ ना सके, इसीलिए वो एल्गोरिथम है हर हफ्ते हर महीने चेंज होता है। और जो बड़े क्रिएटर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जब वो यूट्यूब पर 5-7 साल से काम कर रहे हैं तो उनको एल्गोरिथम समझ आ जाता है कि भाई एल्गोरिथम किस हिसाब से काम करता है, मैं अपनी वीडियो पर किस हिसाब से व्यूज लेकर के आ जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, उस एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियो डालना शुरू करते हैं और एल्गोरिथम उनकी वीडियो को वायरल कर देता है क्योंकि उनकी वीडियो एल्गोरिथम में फिट हो जाती है। अब उनकी वीडियो वायरल होती है तो छोटे क्रिएटर की वीडियो वायरल नहीं होती क्योंकि उनकी वीडियोज देख लेते हैं, उनकी वीडियो आगे जाती है, लेकिन छोटे क्रिएटर को एल्गोरिथम समझ नहीं आ पाता है, इसीलिए वो छोटे क्रिएटर के व्यूज नहीं आ पाते हैं। इसीलिए यूट्यूब एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है चेंज होता रहता है ताकि इस सिस्टम को कोई पकड़ ना पाए। और आज तक का रिकॉर्ड है YouTube के एल्गोरिथम को कोई पकड़ नहीं पाया है, YouTube के सिस्टम को कोई पकड़ नहीं पाया है। तो सीधी सादी बात यह है कि व्यूज डाउन हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारे चैनल की वजह से नहीं हुआ, व्यूज डाउन YouTube की वजह से हुआ, YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हुआ। अब ये एल्गोरिथम जो है 20 तारीख से 1 तारीख के बीच में चेंज होते हैं, 22 तारीख हो सकते हैं, 25 तारीख हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का YouTube का, उससे मुझे ये सीखने को मिला है कि भाई YouTube का जो एल्गोरिथम है वो 20 तारीख से 1-2-4 तारीख तक रहता है, जो कि चेंज होता रहता है, उसके बाद एल्गोरिथम सेट हो जाता है, उसके बाद आपके वापस 1 तारीख से 20 तारीख तक ऐसा चलता रहता है, अच्छे व्यूज आते हैं, किसी वीडियो पर जो कंटेंट अच्छा नहीं रहता उस पर कम व्यूज आते हैं और काफी आपके जो व्यूज हैं वो यहाँ पर बढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही 20-25 तारीख आती है आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उस टाइम एल्गोरिथम बदलता है। और अभी के टाइम में भी यही सिचुएशन चल रही है, व्यूज सबके डाउन है। अब तो ये हो गई रीजन कि भाई रीजन क्या है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन सीधा साधा है, रीजन है यूट्यूब का एल्गोरिथम। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या है, हमारे व्यूज कैसे इंक्रीज होंगे, कैसे हमारा चैनल ग्रो होगा और हमारा चैनल और भी ज्यादा डाउन हो जा रहे हैं। देखिए, हमें मोटिवेशन कब मिलता है, मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब हमारी वीडियोस पर 0 व्यूज आते हैं, ठीक है, तब मोटिवेशन नहीं मिलता। 0 व्यूज आते हैं लेकिन जो अगली वीडियो अपलोड करते हैं तब हमें उस पर 2-4 व्यूज देख के मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो अपलोड करते हैं 10-15 व्यूज देख के मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो करते हैं 50 व्यूज देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे हमारे जो व्यूज हैं बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते तो हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन एक बंदा डीमोटिवेट कब होता है, जब उनका चैनल ग्रो होके वापस डाउन जा रहे हैं, 50 व्यूज आते थे, 20 व्यूज आते, 10 व्यूज, 5 व्यूज, 0 व्यूज पर आके रुके, तो वो जो सिचुएशन होती है वो डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन होती है।
तो हमें अपने चैनल को ग्रो करके वापस मोटिवेट कैसे होना है, मतलब व्यूज कैसे लाना है वापस। तो व्यूज लाने का सीधा साधा फंडा ये है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डबल मेहनत करनी है। देखिएगा ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिएगा, मैंने आज तक जो सीखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, आप अगर अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हो तो एक वीडियो मत कीजिए, आप अपने YouTube चैनल पर दो वीडियो अपलोड कीजिए। जी हाँ गाइज, अगर आपको अपने चैनल को ग्रो करना है, उसकी रीच लेवल में रखनी है, 20 तारीख से 1 तारीख तक अगर आपको लेवल में रखनी है तो आपको दो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। दो वीडियो अपलोड कर रहे हो तो 3 वीडियो अपलोड करनी ही पड़ेगी। अगर एल्गोरिथम में आपका चैनल को फिट करना है, आपके चैनल को ग्रो कराना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि आपके जो चैनल पर वीडियोस वायरल हुई है, ठीक है, जो भी आपके चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, चाहे इस पर 300 व्यूज हैं, 400 व्यूज है, 500, 1000 है, 10000 है, जो भी आपके चैनल की टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, उन पर आपको वीडियोस क्रिएट करना है। फिर से वही टॉपिक, मतलब वही टॉपिक आपको उससे मिलता जुलता टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, क्योंकि उस वीडियो की जो ऑडियंस है ना, वो आपकी ऐसी और वीडियो देखना पसंद करती है, और ज़्यादातर जो ऑडियंस है ना, वो कंटेंट देखकर आपके चैनल पर आई है। और एक बार अगर आपके चैनल को, आपकी वीडियो को किसी ने देखा और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो ऑडियंस आपके चैनल पर फिर से आएगी, क्योंकि आपकी वीडियो उन्हें ब्राउज फीचर में दिखाई जाती है। ब्राउज फीचर में जब आपकी वीडियो उन्हें दिखाई जाती है, तो आपका कंटेंट, जिस कंटेंट की वजह से वो आपके चैनल पर आए थे, वो कंटेंट फिर से देखेंगे, तो आपकी वीडियो पर फिर से क्लिक करेंगे और आपके जो व्यूज हैं वो आने स्टार्ट होंगे और आपका चैनल ग्रो होगा। सीधा साधा फंडा है ये है, और उस वीडियो को देखकर जिसने सब्सक्राइब किया है वो भी आपकी वीडियो को देखेगा, यानी कि आपके व्यूज अगर 1000 आ रहे थे, ठीक है, 1000 आ रहे थे, और फिर से आपकी वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वाली वीडियो पर आपके 1500 व्यूज आएंगे। 10-20 व्यूज आते थे, उस वीडियो पर आपके अच्छे खासे व्यूज आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। और तीसरी जो बात हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, अपनी वीडियो में एडिटिंग इंप्रूव कीजिए। देखिए, अभी के टाइम में जो कॉम्पिटिशन है ना, वो यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और आपको एक अलग तरीके से यूट्यूब पर ग्रो होना है, तो आपको एडिटिंग के अंदर थंबनेल इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत ही अच्छा थंबनेल क्रिएट करना है, बहुत ही अच्छी एडिटिंग, अपने इंगेजमेंट को बढ़ाना है। 2023 के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको एक यूनिकनेस लानी है अपने चैनल के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो व्यूवर देखना पसंद करेगा और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, और इस तरीके से आप अपनी वीडियो के जो व्यूज़ हैं उसको वापस एक लेवल तक पहुँचा सकते हो। और ये जो व्यूज़ डाउन हुए हैं दोस्तों, ये सभी के हुए हैं, आप चाहे कितने भी बड़े बड़े क्रिएटर के चैनल को ओपन करके चेक कर लेना, उनके भी व्यूज़ डाउन हुए हैं, और हाल ही में अभी जो रिसेंट वाली वीडियो है उन पर व्यूज़ डाउन हुए हैं। एक कोई ट्रेंडिंग कंटेंट है तो उसका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, जिन्होंने एक लेवल में वीडियो अपलोड किया है उनके व्यूज़ तो डाउन हुए हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एल्गोरिथम चेंज होता रहते हैं, अगले एल्गोरिथम में आपका चैनल ग्रो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, यूट्यूब है ये। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला है, अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी।